मैं अरुण कुमार शाही डिजिटल न्यूज 20 से चीफ रिपोर्टर। अभी मैम आप इसके इमरजेंसी में तैनात हैं, मरीजों की संख्या काफी भीड़ लगी हुई है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन सा मरीज अभी ज्यादा आपके सामने आ रहे हैं, किस चीज के पेशेंट? आजकल ठंड में सांस की बीमारियों के पेशेंट जैसे COPD, ब्रोंकियल आस्मा, MI जैसे केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग को अपने टाइम के बाद भी मरीजों के जनहित के लिए ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है। अच्छा, ये आस्मा का कितने पेशेंट आ रहा है, इसका क्या कारण है? अभी आस्मा का कारण है कि ठंड की वजह से, ये ठंड में चूंकि ये डिजीज ज्यादा बढ़ जाती है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। और तो अभी अचानक ये अभी इमरजेंसी में जो अभी हम 4-5 पेशेंट जो देख रहे हैं, ये अक्सर इस तरह से पेशेंट आता है कि अभी आज हो गया है, अक्सर रहता नहीं, है? नहीं, ठंडी में हमेशा ही ऐसा होता है कि डेली ऐसे केसेस आते हैं, 8-10 तो मॉर्निंग शिफ्ट की ड्यूटी में ही ब्रोंकियल आस्मा या COPD फिर MI के केसेस आते रहते हैं। और हमारे साथ हमारे SOD डॉक्टर साइम्स बॉस हमेशा रहते हैं हमारी मदद के लिए, इवन वो भी मेडिसिन के पेशेंट्स को देते हैं। ओवरफ्लो हो जाते हैं कि उसको देखना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि हम लोग जनहित देख के, हम लोग ये नहीं कर रहे कि टाइम देख के हम करेंगे, टाइम देख के नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे टाइम हो जाने के बाद भी हम लोग एक्स्ट्रा टाइम में पेशेंट के जनहित के लिए काम करते हैं। अभी देखिए 2 बजे हम लोग का टाइम फ्री होना, इसके बाद भी हम लोग पेशेंट देख रहे हैं, जो कि अस्थमा और MI का पेशेंट आजकल ठंडी में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसे बचाव का क्या कारण हो सकता है, कैसे लोग बच सकते हैं? लोग अपने रूम में हीटर जलाए, धूप में रहें, ये चीजें होती है। ठंडा मेन होता है, ठंडा वैसों का ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई को कम करता है, तो उस चीजें को प्रिवेंट किया जाए। और जो ऑलरेडी एक बार अटैक हो गया वो दवा लेते रहें, दवा छोड़े नहीं MI का, तो ये बार बार होता रहता है। ठंड तो से बचाओ, ठंड से बचाव मेन है। उसके बाद अगर किसी को ऐसा एपिसोड हुआ है पहले, तो वो अपना दवा जो प्रिवेंटिव दवा है प्रोफाइलेक्सिस के लिए जिसको बोलते हैं वो लेता रहे, छोड़े नहीं। अच्छा अच्छा, ये भी वही पेशेंट है? ये COPD का पेशेंट, इसको हम लोग स्टार्ट किए हैं ट्रीटमेंट। अच्छा। और ये MI का पेशेंट आपके सामने, जो MI मायोकार्डियल इंफेक्शन का पेशेंट है। अच्छा। जो प्रोटीन पॉजिटिव हम लोग लोडिंग डोज स्टार्ट कर दिए हैं, और जैसे अच्छा। ये होता है हम लोग उसको CCU में शिफ्ट करेंगे और ट्रीटमेंट रिमेनिंग स्टार्ट करेंगे। हुआ? मैं डॉक्टर वंदना राय, मेडिकल ऑफिसर, मेडिसिन डिपार्टमेंट, SKMCH मुजफ्फरपुर। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।